ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନ ରାଷ୍ଟ୍ରବାଦ, ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସୁରକ୍ଷା, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ସକାରାତ୍ମକ ଧର୍ମନିରପେକ୍ଷତା, ଗାନ୍ଧୀବାଦୀ ସମାଜବାଦ ଏବଂ ଏକାତ୍ମ ମାନବବାଦ ସହିତ ସମ୍ପର୍କିତ। मेरे साथ बोलिए, जय जगन्नाथ, जय जगन्नाथ। मंच पर उपस्थित उत्कल भूमि के वरिष्ठ नेता और ओडिशा के मुख्यमंत्री श्रीमान नवीन पटनायक जी, मेरे मित्र और ओडिशा का प्रतिनिधित्व जो मोदी जी की मंत्रिमंडल में करते हैं, जिनके जिम्मे नई शिक्षा नीति को लोगों तक पहुंचाने का जिम्मा है, ऐसे श्रीमान धर्मेंद्र प्रधान जी, जिनको देश की संसद ने श्रेष्ठ सांसद का सम्मान दिया है, और डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब जी का लेगेसी को जो आगे ले जा रहे हैं, ऐसे हमारे वरिष्ठ सांसद श्रीमान भर्तृहरि मेहताब जी, वरिष्ठ साहित्य मेहताब जी, वरिष्ठ साहित्यकार बहन राय जी, और आज कटक की ऐतिहासिक भूमि पर आए हुए सभी उत्कलवासियों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। मैं जब भी उत्कल भूमि पर आता हूं तो महाप्रभु को प्रणाम कर भूमि पर पग रखता हूं। मैं देश के पश्चिम के सागर छोर से आता हूं और पूर्व के सागर छोर पर जब उत्कल भूमि पर उतरता हूं तब मुझे बरोबर मन में भक्ति भाव के साथ याद है, अहमदाबाद में भी जगन्नाथ है, पुरी में भी जगन्नाथ। जगन्नाथ ही है जो पूरब से पश्चिम तक समग्र देश को भक्ति और संस्कृति से जोड़कर रखता है, यही महाप्रभु। भाइयों बहनों, आपके और भोजन के बीच में मेरा भाषण है तो ज्यादा लंबा भाषण नहीं करूंगा। मैं केवल और केवल कटक भर्तृहरि जी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देने के लिए यहां पर आया हूं, क्योंकि आजादी के अमृत वर्ष के वर्ष में ये साल है, ये वर्ष है जिन्होंने अपनी जान न्योछावर की देश के लिए, वो आजादी के सभी आंदोलनों वीरों का, स्वतंत्र सेनानियों का स्मरण करने का, जिन जिन संस्थानों ने आजादी के लिए अपना योगदान दिया उसको एक्नोलेज करने का। और मैं आज यहां आया हूं उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब और प्रजातंत्र दोनों को प्रणाम कर आजादी में उनके योगदान को नमन करने के लिए आया हूं। उत्कल केसरी डॉक्टर मेहताब ने न केवल आजादी की लड़ाई लड़ी, आजादी के बाद भी केंद्रीय मंत्री, मुंबई के गवर्नर, ओडिशा के मुख्यमंत्री और प्रजातंत्र के सजग प्रहरी के नाते उत्कल प्रजा को हमेशा के लिए गौरव दिलाने का काम ये उत्कल केसरी डॉक्टर हरिकृष्ण मेहताब ने किया, और उनके बनाए हुए रास्ते पर आज भर्तृहरि जी प्रजातंत्र को आगे बढ़ा रहे हैं। 75 साल मुखपत्र के, समाचार पत्र के 75 साल होना अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है, मगर 75 साल एक विचार को, देश को
और जनता के हितों को समर्पित रखते हुए इसके साथ कोई कॉम्प्रोमाइज करे बगैर, समाधान करे बगैर हमेशा उत्कल जनता की आवाज बनते हुए एक अखबार चलाना, वो उससे भी बड़ी बात है। चाहे आपातकाल हो, कालाहांडी हो, एसआरसी आंदोलन हो या छात्र आंदोलन 64 का हो, हर आंदोलन को आवाज देने का काम ये प्रजातंत्र ने किया और आज 75 साल होने आए हैं। मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि देश की जब शताब्दी मनाई जाए तब प्रजातंत्र भी की भी शताब्दी इसी गौरव के साथ हम लोग मनाएं। जो भी होंगे, जो भी कर्ता धर्ता होंगे वो मनाएंगे। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब सभी उत्कल वासियों को हृदय से बधाई भी देना चाहता हूं, क्योंकि इसी महान उत्कल प्रदेश की गरीब घर में जन्मी हुई बहन द्रौपदी मुर्मू आज महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनी। देश की संविधान सभा की रचना का मेरा बहुत डिटेल अभ्यास है। संविधान सभा एक प्रकार से हर प्रदेश का, जनता के हर वर्ग का प्रतिनिधित्व करती थी, मगर एक कमी थी संविधान सभा में कि उसमें एक भी ट्राइबल महिला का स्थान नहीं था। हमारी संविधान सभा में एक भी ट्राइबल महिला नहीं थी। आज उसी संविधान से बने हुए प्रजातंत्र में गरीब से, गरीब घर से आई हुई बहन द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति भवन में महामहिम द्रौपदी मुर्मू बनकर विराजी हैं। मैं मानता हूं उत्कल भूमि के लिए, देश भर के आदिवासियों के लिए और देश भर के गरीबों के लिए ये बहुत गौरव का मौका है। मैं फिर से एक बार उड़ीसा की जनता को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मित्रों, आज मैं यहां आया हूं तब ये भी कहना चाहता हूं कि उड़ीसा के अच्छे दिन आ गए हैं। आप सुनिए तो क्यों अच्छे दिन आए। द्रौपदी मुर्मू जी महामहिम बनकर बैठी है, धर्मेंद्र भाई शिक्षा मंत्री बने हैं, अश्विनी वैष्णव रेल मंत्री बने हैं, रिजर्व बैंक के गवर्नर भी ओडिशा के हैं, हमारे टूडू भी मंत्रिमंडल में है। इतना प्रतिनिधित्व ओडिशा को आजादी के बाद कभी नहीं मिला था जितना आज मिल रहा है। मोदी जी के नेतृत्व में ओडिशा के सर्वांगीण विकास के लिए ओडिशा सरकार को साथ में रखकर हम सब प्रयास कर रहे हैं। मोदी जी का प्रयास है कि टीम इंडिया के नाते केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर आगे बढ़े। और मैं आज आप सबको बताना चाहता हूं ओडिशा के अंदर विकास की अपार संभावनाएं पड़ी हैं। यहां पर दरिया भी है, व्यापार की उज्जवल परंपरा भी है, पुरुषार्थी उत्कल वासी भी है और पूरी धरती ईश्वर की कृपा से खनिज संपदा से भरी हुई है। आने वाले दिनों में ओडिशा का उज्जवल भविष्य मैं देख रहा हूं। मित्रों, आज मैं जब यहां आया हूं तब उत्कल केसरी हरे कृष्ण मेहताब जी को इनके एक और योगदान के लिए भी याद करना चाहता हूं। मैं अभी देश का गृह मंत्री हूं। गृह मंत्री बनने के बाद पहले मैं गुजरात से आता हूं, हमेशा सोचता था कि सरदार पटेल ने 550 से ज्यादा रियासतों को किस तरह से जोड़ा होगा। मैंने डॉक्यूमेंट देखा, मैं आज बहुत कम लोगों को मालूम होगा 1947 में सरदार पटेल इस क्षेत्र की सभी रियासतों को जोड़ने के लिए आए थे। तब उन्होंने इनके नेतृत्व में ये जिम्मेदारी डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब को दी थी कि सभी को भारतीय संघ में जोड़ा जाए। और वहीं से लेकर चाहे हीराकुंड की रचना हो, चाहे मुंबई के गवर्नर के नाते कठिन आंदोलनों को झेलना हो, चाहे केंद्रीय मंत्री के नाते भूमिका निभानी हो, चाहे उड़ीसा के आर्थिक विकास,
कृषि और संस्कृति को संबल प्रदान करने के तीनों क्षेत्र पर मुख्यमंत्री के नाते योगदान करना हो। डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब ने बहुत अच्छे तरीके से ये काम किया था। आज आजादी के अमृत महोत्सव में भारत सरकार और समग्र देश की जनता की ओर से मैं भावपूर्ण तरीके से ये महामानव को अपनी श्रद्धांजलि देना चाहता हूं। मित्रों, उन्होंने कहा था कि कोई भी जनता को अगर महान बनना है तो सांस्कृतिक विकास के बगैर नहीं बन सकती, और ये हमारा उत्कल प्रदेश तो बहुत बहुत रीच सांस्कृतिक विरासत का धनी है। यहां पर भाषा, भाषा का गौरव, यहां पर संगीत, यहां का नाट्यकला और यहां का साहित्य, ये सभी देश के कुछ उत्कृष्ट प्रदेशों के साहित्य के रचनाओं में से जाना जाता है। इसमें से एक हमारा उत्कल प्रदेश है, और मित्रों यही विरासत को हमें आगे ले जाना है। यही सच्ची श्रद्धांजलि डॉक्टर हरे कृष्ण मेहताब को होगी। भर्तृहरि जी के साथ मैं राजभाषा प्रचार समिति में काम कर रहा हूँ। काम तो क्या कर रहा हूँ, वो ही चलाते हैं, मैं उनको साथ देता हूँ। इन्होंने देश की राजभाषा को मजबूत करने के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया है, ये भी आज इस मंच से मैं बताना चाहता हूँ। हमेशा हमेशा न केवल उड़ीसा, समग्र देश के राज्यों के अंदर राजभाषा को बल देने के लिए उन्होंने प्रयास किया है। मैं फिर से एक बार अनेक अनेक शुभकामनाएं प्रजातंत्र को इसलिए देना चाहता हूं कि सिर्फ अखबार नहीं है, एक ऐसा संस्थान है जहां से सैकड़ों कलम के भेखधारी, कलम के सन्यासी निकले हैं, जो कुछ साहित्यकार सर्जन करे, कुछ पत्रकारिता में आगे गए, कुछ गद्य और पद्य का संकर सर्जन किए, और कुछ लोगों ने उड़िया का, उड़ीसा प्रदेश के गौरव गान के अंदर पूरा जीवन समर्पित कर दिया। 75 साल में प्रजातंत्र ने अनेक साहित्यकार, अनेक पत्रकार देने का काम किया है। पत्रकारिता की ज्योत को तो जलाए रखा ही है, उसके पत्रकार धर्म को तो संभाल कर रखा ही है, मगर साथ में योगदान लेने वाले सैकड़ों लोगों का सर्जन कर समाज जीवन में भेजने का भी काम किया है। मैं आज प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि प्रजातंत्र और मजबूत हो और लोकप्रिय हो, और शताब्दी जब मनाई जाए, इससे बहुत बड़े समारोह के अंदर शताब्दी मनाई जाए, यही शुभकामनाएं देकर उत्कल प्रदेश की जनता को, भाई भर्तृहरि मेहताब जी को और प्रजातंत्र की पूरी टीम को अनेक अनेक शुभकामनाएं देकर मेरी बात समाप्त करता हूं। वंदे मातरम।